आज यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किडनी हिल पार्क की वीडियो, जो कि कराची के सेंटर में वाक़ है, यानी कि दोरा जी पे है और कहा जाता है कराची का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से आप खड़े होकर यहाँ पे डिफरेंट दो चोटियाँ हैं जहाँ पे आप ऊपर जाके वहाँ से कराची का मंजर बआसानी देख सकते हैं। तो आए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको सीधे हाथ पे देखेंगे डिफरेंट से दरख्त लगे हैं जिनकी डिटेल यहाँ पे जो है इन्होंने दी है, और इसमें इतने ये सारे जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह कराची में जो ये जो जगह थी बारिश के बाद और ज़्यादा हरी हरी हरियाली वाली के साथ बिल्कुल दिलकश और खूबसूरत नज़ारे पेश कर रही है। तो ये आप देखें, और ये इसका ये रास्ता है। टैंकर्स वगैरह यहाँ आए हुए हैं जो कि पानी वगैरह यहाँ पे जो है डाल रहे हैं प्लांट्स में। ये देखिए हर तरफ हरियाली हरियाली, खूबसूरत मंज़र है। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं और आप देखेंगे जो है मंज़र कितना प्यारा है यहाँ का। ये सारे दरख्त यहाँ लगे हुए हैं और आप चाहें तो यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी की हुई है। तो मौसम से और शाम से लुत्फानंदोज आप होना चाहें तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। दरख्तों की छांव और कराची का हसीन मौसम, आप शाम के टाइम इस तक अपनी फैमिली के साथ यहाँ आएँ तो यहाँ एक दिलकश मंजर आपको पेश करेगा। और कुछ सुकून बिल्कुल माहौल है, चिड़ियों की चहचहाट, परिंदों का बोलना और सामने जो है पीछे आगे पीछे जो जिस तरह से मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं, बड़ा पुरसकून सा माहौल है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ शाम के टाइम पे। और इसकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन शाम में मगरिब तक ये पार्क बंद हो जाता है, और उसके बाद अगर आप आएँ तो यहाँ पर पार्किंग की भी फैसिलिटी है। आप अगर गाड़ी में आ रहे हैं या अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बाइक और कार की पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन मगरिब की नमाज़ का जैसे टाइम है तो मगरिब की नमाज़ तक आपको अपनी जो कार वगैरह है वो अंदर आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पर जो है आपने खड़ी करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से पार्क से बाहर ले जानी पड़ेगी। तो वैसे तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त ग्रीनरी का ये मंजर पेश कर रहा है, और मगरिब की नमाज़ होने के बाद अंधेरा हो जाएगा, तो फिर जो है एक जो मौसम है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा जो है टाइम इसका यही है कि आप मगरिब की नमाज़ तक यहाँ पे आएँ और मगरिब की नमाज़ तक यहाँ से चले जाएँ, मतलब अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाए। आगे चलते ये वाला साइड तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह फास्ते पे बेंचेस रखी हुई हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और ये बेंचेस जो देखें आपको मैं दिखाऊँ, ये जो लोगों ने जो डोनेट किए हैं, डोनेट बाय मिस्टर जाहिद सईद, लविंग मेमोरी ऑफ बिलव फादर गुलाम अब्बास टपाल। तो इस तरह से डिफरेंट बेंचेस आपको अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा सा कैमरे पर,
ऋषभ के ऊपर ये स्पेसिफिक डिफरेंस जो है मैसेजेस लिखे हुए हैं कि यहाँ पे लोगों ने उसको अपनी फैमिली की तरफ से अपने चाहने वालों के नाम पे इनको डोनेट किया है। तो बस कराची की आवाम से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ आएँ, लाजमी आएँ, बहुत अच्छी जगह है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, मतलब फ़ोटो शूट के लिए भी, लड़कों के लिए भी स्पेशली, तो यहाँ आएँ लाजमी। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं भी करूँगी कि थोड़ा सा आएँ तो खाने पीने की जो अपनी अशिया साथ लेकर आएँ उसको उठा के एक शॉपर में डाल के तो जो है अपने साथ ले जाएँ। यहाँ बड़े बड़े डस्टबिन रखे हैं, डस्टबिन के अंदर आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी मुझे यहाँ नज़र आई है ना, लोगों ने यहाँ पे कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा डाला है खाने पीने का सामान। तो ये कराची का एक मंजर आपको थोड़ा सा मैं कैमरे से जूम करके दिखाती हूँ। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाऊँ, सूरज जो है गुरूब हो रहा है, सुकून माहौल, चिड़ियों की चहचहाहट, कौवे हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, ठीक है मंजर, कैमरे से मैं आपको करके दिखाती हूँ जूम थोड़ा सा। देखा है आपने कराची में कोई ऐसा मंजर तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम दोबारा वहाँ पे भी आएँ और आपको वहाँ से वीडियो बना के आपके सबके पास करें शेयर। असर की अजानें हो रही हैं अभी वक्फे वक्फे से, दूर दूर से कहीं ना कहीं से मस्जिद से अजानों की आवाज़ आ रही है। आपके चैनल का क्या नाम है? मेरा चैनल है फोकस विद फहीम। फोकस विद और आज आपने क्या किया ये बताएं जरा। आज हमने शपाटर